हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। अपन पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसकी दो क्लासें अपन ने ले ली थी। आज की क्लास फॉर्मूला बेस है। इसमें अपन फॉर्मूले डायरेक्ट लगा लगा कर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यदि आपने दो क्लासें नहीं देखी हो तो पहले वो दोनों देख लेना, उसके बाद इस वाली क्लास पे आना। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर सबसे पहले दोनों फॉर्मूलों में ध्यान रखना है समय का। अगर समय 2 वर्ष हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा, समय 3 वर्ष हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा। डी, डिफरेंस है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का। किसका डिफरेंस है? डी, डिफरेंस है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का। अगर डिफरेंस दे रखा हो, अगर निकालना हो, मूलधन दे रखा हो, तो अपन क्या कर सकते हैं, अगर रेट निकालनी हो, ब्याज की दर रूट डिफरेंस बटा मूलधन इंटू 100। आर क्या है? आर है दर। पी क्या है? मूलधन। डी, चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला क्लियर हो गया। अगर समय 2 वर्ष दे रखा हो, इन तीनों में से कुछ भी निकालना हो, डिफरेंस, प्रिंसिपल और रेट, तीनों का रिलेशन कौन सा फॉर्मूला बताता है? ये, कब? जब समय 2 वर्ष हो। अगर समय 3 वर्ष हो तो फॉर्मूला थोड़ा बड़ा बनता है। 3 वर्ष के हिसाब से 300 प्लस आर बटा 100, याद करने की ट्रिक, डिफरेंस बराबर 300 प्लस आर बटा 100, फिर आर बटा 100 का स्क्वायर इंटू प्रिंसिपल। कैसे? 300 प्लस आर बटा 100, आर बटा 100 का स्क्वायर और पी। ठीक है ना, याद हो गया। यहाँ पर डी बराबर क्या होता है? सी आई माइनस एस आई, आर रेट दर, पी मूलधन। दोनों क्लियर फॉर्मूले? चलो अब इन दोनों पे क्वेश्चन करते हैं। 5000 रुपये का धन कहाँ लिखे? यहाँ लिखते हैं, 5000 रुपये का धन 2 वर्ष में, 5000 रुपये के धन का, एक सेकंड स्पेस ही बनाते पहले, ₹5000 के धन का 2 वर्ष का, 2 वर्ष सी आई माइनस एस आई लिख दू डायरेक्ट, वही दे रखा है। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर सी आई माइनस एस आई लिख लो, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है? 72। 72 रुपये हैं तो दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस प्रकार है कि 5000 रुपये का धन, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 72 रुपये। डी बराबर क्या होता है? सी आई माइनस एस आई। टाइम क्या दे रखा है? 2 वर्ष। पी क्या दे रखा है? 5000 रुपये। 2 वर्ष है तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? ये वाला, रूट डी बाई पी इंटू 100। डी कितना दे रखा है? दोनों का अंतर 72। फॉर्मूला क्या लगेगा? आर बराबर रूट डी बाई पी इंटू 100। ध्यान रखना ये 100 है जो प्रतिशत, ये वर्गमूल अंडर रूट से बाहर है। वैल्यू पुट करो, 72/5000 रूट में इंटू 100। करो सॉल्व, किसे कट रहा है? 36, 2 से काटो ऊपर आएगा, 36 नीचे आएगा, 25, 2 0 अंडर रूट में,
इंटू 100, 36 का हो जाएगा 6, 25 का 5, दो जीरो में से एक जीरो बाहर आ जाएगा और इंटू 100, दोनों को 2 से कटा क्या आया 36/2,500। वापिस 36 का तो होता 6, 2,500 का 50, 50 वापिस कट जाएगा 2 बार, 6 दूनी 12, 12% क्या हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। सी आई बराबर कितना है 12। एक लाइन का क्वेश्चन था, अपन ने डिटेल में किया इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है, बाकी आप डायरेक्ट लिखोगे 72/5,000। फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है 72/5,000, काटो 36/2,500। रूट लेना है, रूट ले लो 6/50 इंटू 100, कट गया 2, 6 को 2 से गुणा किया कितना आया 12 आंसर। आ गया समझ में? अगर समय 2 वर्ष हो तो ही यह फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब यह वाला तो खत्म मामला, तो अपन थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? रूट डी बाई पी इंटू 100। ओ है मजेदार, अच्छा वाला क्वेश्चन। डी बराबर 300 प्लस आर बाई 100, आर बाई 100 का स्क्वायर इंटू पी। चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं अपन। ₹500 का 3 वर्ष का बीस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 3 CI-SI ज्ञात कीजिए। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। सीधी सीधी भाषा में क्या बोल रहा है? डी डिफरेंस ज्ञात कीजिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का। समय कितना दे रखा है? टी बराबर दे रखा है 3 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। पी कितना दे रखा है? ₹500। हो जाओ शुरू, किस में रखनी वैल्यू? डी बराबर 300 प्लस आर बाई 100, आर बाई 100 का स्क्वायर इंटू मूलधन। रखो, अपने को निकालना डी सी आई माइनस एस आई बराबर 300 प्लस आर कितना है 20% / 100। एक डिब्बा आउट, दूसरे वाले डिब्बे पे चलते हैं। 20/100 का स्क्वायर इंटू 500। यहाँ तक कोई दिक्कत? 300 और 20 कितने होंगे? 320/100। इसको अंदर ही काट लो 20 को, 1/5, 1/5 का स्क्वायर करेंगे तो, चलो 1/5 दो बार लिख लेते हैं, 1/25 लिख सकते थे डायरेक्ट, 525 लिखते हैं डायरेक्ट, कट जाता 25 × 50। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 32 का दुगुना कितना होता है 32 × 2 = 64। क्या है अपने डी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आया? ₹64।
कौन से फॉर्मूले से 300 प्लस आर बाई सो, आर बाई सो का स्क्वायर इंटू मूलधन। दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए आपके? नेक्स्ट चलें। एक और फॉर्मूला है मजेदार, जो अपने प्रतिशत प्रभाव में पड़ा था। आ तो गया ना समझ में दोनों क्वेश्चन? आज फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही करेंगे। लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन अपन ने कर लिए परसेंटेज के। अगर आपने पहली वाली क्लासें नहीं देखी हो तो देख लेना। एक फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने परसेंटेज में प्रतिशत प्रभाव। कौन सा फॉर्मूला? प्रतिशत प्रभाव। उसमें क्या था? प्लस माइनस एक्स प्रतिशत, प्लस माइनस वाई प्रतिशत, प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100%। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने। यहाँ क्या, कौन सा फॉर्मूला? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, यदि दर x प्रतिशत है और y प्रतिशत है, दो वर्ष की, एक ही है x प्रतिशत, दूसरे की है y प्रतिशत। अगर हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना हो, कैसे निकालेंगे? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100 प्रतिशत इंटू पी। चक्रवर्ती ब्याज बराबर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100 प्रतिशत इंटू पी। और दूसरा फॉर्मूला है सी आई माइनस एस आई निकालना हो, चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज, जिसे हम क्या बोल रहे थे, डी डिफरेंस, अगर निकालना हो तो ये वाला हट जाएगा, एक्स इंटू वाई बट्टा 100 प्रतिशत इंटू पी। ये प्रतिशत भी बहुत मज़ेदार है, ये भी साथ में चाहिए, ध्यान रखना। इसके बिना क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, क्योंकि जब प्रतिशत हटाएंगे तो बटा 100 करेंगे, अगर जब तक बटा 100 नहीं होगा तब तक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले भी आपको ध्यान में रखने हैं। चक्रवर्ती ब्याज निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 प्रतिशत इंटू मूलधन। चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर x इंटू वाई बटा 100। जैसे वर्ष समय दे रखा हो, दो वर्ष, दर दे रखी हो 10%। अब क्या करेंगे, दो बार लिख लेंगे अपने, क्या x बराबर 10, y बराबर 10। अगर d निकालना हो तो 10 इंटू 10 बटा 100 प्रतिशत, और p 2 से 2 कट गया, प्रतिशत p आंसर आ जाएगा अपना। अब जो भी p होगा मूलधन, उसका अपन परसेंट निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो इसके क्वेश्चन देखते हैं। मूलधन दे रखा 4000 रुपये, समय दे रखा 2 वर्ष। मूलधन दे रखा है 4000 रुपये, समय 2 वर्ष। मूलधन 4000 रुपये, समय है 2 वर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी थी 8%। हमें क्या ज्ञात करना है? सी आई माइनस एस आई, सी आई माइनस एस आई ज्ञात कीजिए। ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा उसमें। सी आई माइनस एस आई बराबर होता है, बस यही तो होता है। अब इसमें क्या दे रखा है? आर दे रखा 8%, तो एक्स क्या होगा? 8। समय 2 वर्ष है, वाई भी हो जाएगा 8। क्लियर? निकाल लो, वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले में। एक्स इंटू वाई, 8 × 8/100 प्रतिशत पी। पी कितना है? प्रतिशत हटाएंगे तो बटा 100।
पी कितना दे रहेगा 4000, ये 4000 करो सोल्व इसको। दो जीरो से दो जीरो गायब, एक जीरो से एक जीरो गया, आठ को आठ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64/10 इंटू चार, पच्चीस पॉइंट छः आंसर। डायरेक्ट कर लिया था मैंने, इसको अगर गुणा करेंगे 8 4 16 24 1 25, 10 है तो 1 पॉइंट लग जाएगा, 25.6 आंसर आ गया अपना। कैसे किया अपन ने, देखो 8 दे रखा 8%, समय दे रखा 2 वर्ष, तो अपन ने x को भी 8 मान लिया, y को भी 8 मान लिया, दोनों को गुणा किया बटा 100, p प्रतिशत था, प्रतिशत का हटाया बटा 100, 4000 मूलधन दे रखा था, 4000 लिख लिया। अगले क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। मूलधन दे रखा है 4000, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, आर दे रखा है 8%, समय दे रखा है 1 वर्ष 3 माह, ठीक है ना। हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, यह ज्ञात करना है। देखो 1 वर्ष के लिए तो 8%, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8%, y बराबर क्या होगा 3 माह, 3 माह है तो 1 साल में कितने होते हैं 12, 12 वर्ष की है अगर 8%, तो 1 वर्ष 3 महीने के लिए दर कितनी हो जाएगी, 3 चौक 12, 4 को काटा 2, y बराबर हो जाएगा 2%। कैसे किया, हमें पता है 8 माह की 1 वर्ष की रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, 12 बराबर है 8, 3 बराबर क्या होगा 3/12 × 8, अब फॉर्मूला क्या है, सी आई माइनस एस आई का फॉर्मूला क्या है, एक्स इंटू वाई बटा 100 इंटू पी प्रतिशत। एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, वाई की कितनी दे रखी है 2/100 इंटू पी कितना है 4000/100, प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो बटे में क्या करेंगे 100। सोल्व करो आप वापिस, वही 8 × 16 16 चौक 64 64/10 6.4 रुपये आंसर। आया समझ में, कुछ नहीं किया, सी आई माइनस एस आई बराबर होता है एक्स इंटू वाई बाई 100 p%, ठीक है ना। अगर केवल सिंपल, केवल अगर चक्रवर्ती ब्याज निकालना हो तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100 p%, ठीक है। इसका एक आध क्वेश्चन और करते हैं, अच्छे से समझ में आएगा आपको। यदि कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यदि कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2400 हो जाता है,
यदि कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना हो जाता है 2400, तो वही धन चक्रवर्ती ब्याज, ये क्या था, साधारण ब्याज ये क्या होगा, ये वही धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से उतने ही समय उतने ही समय में उसी दर से कितना हो जाएगा, यदि कोई धन अब में दे रखा है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में हो जाता है 2400 रुपये, तो वही धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से उतने ही समय में उसी दर से कितना हो जाएगा। देखो अब अपन डायरेक्ट करेंगे, सारे फॉर्मूले भूल जाओ, डायरेक्ट तरीके पे आ जाओ। साधारण ब्याज में अपन ने क्या सीखा था, 10 साधारण ब्याज क्या होता है, 10 × 2 20%, 20% बराबर जो आएगा वह साधारण ब्याज। मूलधन को अपन ने कितना माना था 100%, अमाउंट कितना 100 + 20 बराबर कितना 120। यहाँ हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले ये देखो, दर से 2 वर्ष में 2400 रुपये हो जाता है, मतलब मिश्र धन कितना है 2400 रुपये, किसके बराबर है अमाउंट के बराबर, अमाउंट कितना है 120 किसके बराबर है 2400 के, एक बराबर 2400/120 काटो बार दूना 2420। हमें निकालना है मूलधन, मूलधन कितना होता है 100 × 20 = 2000 रुपये। मूलधन आ गया अपने पास 2000 रुपये, ठीक है। हमें निकालना है वही धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से उतने ही समय में उसी दर से कितना हो जाएगा। देखो P बराबर क्या आ गया 2000 रुपये, चक्रवर्ती ब्याज की दर कितनी होगी, ब्याज की दर 10% वार्षिक, x बराबर 10 y बराबर 10 कितने वर्ष के लिए है 2 वर्ष के लिए, CI निकालो 10 + 10 + 10 × 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कया, ये कौन से किसे कर रहे हैं अपन, x + y + x × y/100, इसे अपन क्या कर रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज की दर निकाल रहे हैं, रेट r बराबर 10 + 10 = 20 और 1 कितनी आई 21%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आई 21%। हमें क्या निकालना है उतने ही समय में उसी दर से कितना हो जाएगा, P बराबर हो गया R बराबर कितना दे रखा है 21%। हमें क्या निकालना है मिश्र धन निकालना है, मिश्र धन अमाउंट कितना होता है, P को अपन मानते हैं 100%, P + R = 100 + 21 = 121 रुपये, 121%, 100% बराबर दे रखा है हमें 2000 रुपये, 1% बराबर कितना होगा 2000/100 और 121% बराबर 2000/100 × 121, 2 जीरो से 2 जीरो गया 21, 2 4
2-0 रुपये आंसर। अपन ने डायरेक्ट किए सारे तरीके, तब जाके आया 2420 रुपये। आया समझ में? अब इस अपन ने तीन तरीके लगाए, एक तो सबसे पहले डायरेक्ट निकाला मूलधन, उसके बाद निकाली डायरेक्ट निकाली रेट, उसके बाद डायरेक्ट निकाला अपन ने मिश्रधन। तीनों तरीके अपन ने डायरेक्ट किए, इसलिए थोड़ा आपको कम समझ में भी आएगा, क्योंकि अपन ने पूरा ही ऐसे ही किया। वापिस समझते हैं। सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले साधारण ब्याज निकाला। कैसे निकाला? 10% वार्षिक है तो 2 वर्ष का कितना आएगा? 20%। याद तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सब अपन ये जो चीज़ किया था ना, वो यहाँ तक ये अपने सिंपल इंटरेस्ट में सीखा था। अगर साधारण ब्याज अगर आपने नहीं देखा हो तो ये वाला सिस्टम साधारण ब्याज में हर क्वेश्चन में कर रखा है। पी अपन मानते हैं 100%, मिश्रधन कितना हो जाएगा? 100 + 20 = 120 किसके बराबर है? 2400 में। कहाँ से लिखे? क्वेश्चन से। 1 = 20, 100 = कितना? 2000। अपना मूलधन कितना आ गया? 2000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सारा पोर्शन अपन ने साधारण ब्याज में सीखा था। मूलधन कितना आ गया अपने? 2000 रुपये आ गया। फिर क्या किया? चक्रवर्ती ब्याज की दर निकालनी थी। दर कैसे निकाली? 10, 10 और 10 पे वापस 10, मतलब 10 का 10% कितना होता है? 1। तो 10, 10, 20 और 1 = 21%। दर आ गई 21%। मिश्रधन कितना होगा? 100 + 21 = 121। 100 = 2000 है। मूलधन 100 मानते हैं, 100 क्वेश्चन में मूलधन कितना दे रखा? 2। तो 100 को 2000 के बराबर लिखा, 121 निकालना था तो 121 निकाल लिया, 2420 रुपये। ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है इसी तरह का, वो भी देख लेते हैं। उसमें सिर्फ दर ही निकालनी, यहाँ तक ही निकालना है। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आगे मत देखना वीडियो को, पहले इस वाले क्वेश्चन को देखना। किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज 4000 रुपये है। किसी धन का कितने प्रतिशत? 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 4000 रुपये। 4000 रुपये है तो चक्रवर्ती ब्याज याद कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है, आंखें बंद करके भी आप कर सकते हो। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 10%। 2 वर्ष का कितना होगा? × 2 20%। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 20% बराबर कितना देर का क्वेश्चन में? 4000 रुपये। कैसे? किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज 4000 रुपये। 10 × 2 = 20 किसके बराबर दे रखा है? 4000 के बराबर। अब हमें निकालना चक्रवर्ती ब्याज। 1% बराबर कितना होगा? 4000 / 20 200 रुपये।
यहाँ तक कोई दिक्कत, 1% बराबर कितना है, 200 रुपये। अब हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, वो तो क्वेश्चन में दे ही नहीं रखी थी। हम निकालते हैं, देखें फॉर्मूला वही, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। आर निकालने का, एक्स कितना है 10%, वाई कितना है, वाई भी 10%, दोनों साल की दर समान है, तो 10 + 10 + 10 इंटू 10/100। 2 0 से 2 0 गया, वापिस आ गया 21%। आर बराबर कितना आया, 21%। और हमें क्वेश्चन में क्या निकाला, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 200 इंटू 21। यहाँ भी डायरेक्ट गुणा कर लो आप 21 से, 21 × 42, 4200 रुपये। आ गया समझ में, 21 से गुणा क्यों किया, क्योंकि हमें 21% ही निकालना, 21% बराबर 20 × 21 बराबर 4200 रुपये। 21% क्या है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज लेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी, 21%, अदरवाइज साधारण ब्याज से कितनी होगी, 20%। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत।